प्रयागराज धर्म संसद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने ऐलान किया है 10 फरवरी को प्रयागराज में स्नान के बाद अयोध्या का कूच करेंगे और 21 फरवरी को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, जिस पर सपा नेता आजम खान ने कहा कि ये आजम भाई धर्म संसद का ऐलान है 21 फरवरी को शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का, प्रयागराज से कूच करेंगे। ये भारत सरकार के देखने की बात है और उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि लैंड ऑर्डर का मामला होगा। ऐसा ना हो कि मेरी बात जो मैं बहुत जमाने से कह रहा हूं कि देश में एनार्की के हालात है, लाकानूनियत के हालात है और कभी भी हालात बिगाड़े जा सकते हैं, तो इसमें हमारे परेशान होने या फिक्रमंद होने की बात इसलिए नहीं है कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला सानिहा, तो उससे बड़ा हादसा तो हिंदुस्तान के इतिहास में, उसकी तारीख में हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया ने जिसकी निंदा की, उसके बाद हर बात के लिए मुसलमान तैयार हो गया और तैयार होना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता तो है। जो उम्मीद करता है संविधान से करता है या विधान से करता है, उससे अदालतों पर उम्मीद है, न्यायालय पर उम्मीद है, न्यायपालिका पर उम्मीद है। और हम तो बराबर कह रहे हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार करो और अपने हाथों में पत्थर न लो। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराना ये तो सरकारों का दायित्व है। अमित शाह के महागठबंधन पर दिए गए बयान, अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो हफ्ते में एक दिन मायावती, एक दिन अखिलेश यादव और एक दिन ममता रहेंगी पीएम, पर पलटवार करते हुए आजम खान ने कहा कि अमित शाह ने आज कानपुर में कहा कि गठबंधन अगर सत्ता में आया तो वीकली प्रधानमंत्री होगा। देखिए, वो इस बात के लिए परेशान न हो, बिल्कुल परेशान न हो, इस बारे में सोचे कि जिस सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करते रहे हैं उसका क्या हो। सत्ता की फिक्र न करें, जिनको तख्त मिलता है उन्हें तख्ता भी मिलता है, तो तख्त वाले लोग कोई ऐसा काम ना करें कि तख्ते का इंतजाम इतिहास का परवाह, जो भी होगा अच्छा होगा, पहले वो रुख्सत हो।